नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में लोगों ने किया योगाभ्यास, भागलपुर में भी दिखा उत्साह। आम लोगों को योग प्रशिक्षकों ने बताया व्यायाम का महत्व, कहा प्रतिदिन करें योगा, मानसिक तनाव से मिलेगा छुटकारा। देश भर में दिखा सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा, पूरी दुनिया में हो रही है इसकी चर्चा। नवगछिया में चल रहे कटाव निरोधी कार्य का डीएम ने किया निरीक्षण, जल्द कार्य पूरा कराने के दिए निर्देश। और कहलगांव में शिक्षक की पिटाई से घायल हुआ छात्र, कोरोना काल में सरकारी आदेश का उल्लंघन कर किया कोचिंग का संचालन। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया गया था और इस दिन करोड़ों लोगों ने एक साथ मिलकर भारत की वैदिक परंपरा और संस्कृति को अपने मन मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अपनाया। रविवार को छठे वैश्विक योग दिवस पर देश भर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योगाभ्यास किया गया। योग एट होम, योग विद फैमिली की थीम पर हजारों लोगों ने अपने घर पर रहकर परिवार के साथ योगाभ्यास किया। वहीं कोविड 19 संक्रमण के कारण इस बार भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड और विभिन्न योग स्थलों पर सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं हुआ। पुलिस लाइन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला पुलिस कप्तान आशीष भारती, सिटीएसपी सुशांत कुमार सरोज, सिटीडीएसपी राजवंश सिंह, सर्जेंट मेजर राम इकबाल यादव समेत कई पुलिस अधिकारी और जवानों ने योग गुरु विनोद गोस्वामी की देखरेख में प्राणायाम, ध्यान, आसन, समाधि समेत कई प्रकार का योग किया। वहीं एसएसपी आशीष भारती ने कहा कि प्रायः योग को लोग फिजिकल फिटनेस या शारीरिक क्रिया के तौर पर देखते हैं, लेकिन यह इससे ऊपर है। एसएसपी ने बताया कि जल्द ही पुलिस कर्मियों को पीटी के साथ ही योग का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। योग शारीरिक तनाव के साथ मानसिक तनाव को भी दूर करता है। योग सभी के लिए आवश्यक है, सभी व्यक्तियों के लिए, लेकिन पुलिस कर्मियों के लिए और भी ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आजकल जो पुलिस का कार्य है वो काफ़ी उसके चैलेंजेस बढ़ गए हैं। न सिर्फ ये फिजिकल स्वस्थ रहने में मदद करेगा, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी ठीक रखने में मदद करेगा। पुलिस कर्मियों को के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस रहता है, काम का लंबे वर्किंग आवर्स होते हैं और साथ ही में परिवार से दूरी भी रहती है, तो जिसके कुल मिलाकर के काफ़ी स्ट्रेस रहता है। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए तो ये बेहद ही आवश्यक है। तो हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से इसका शुरुआत किया जा सके, परंतु भविष्य में भी आगे हम लोग पुलिस लाइन में इसको आधे घंटे प्रतिदिन योग कराने के लिए प्रयास करेंगे। वहीं स्थानीय जलसा सभागार में नगर विधायक अजीत शर्मा ने अपनी टीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास किया। योग प्रशिक्षक योगेश और रानी उपाध्याय की मौजूदगी में विधायक अजीत शर्मा, विभा शर्मा, पार्षद संजय सिन्हा समेत कई लोगों ने तन, मन, अवचेतन और आत्मा को एक कतार में सहजता से लाने के लिए योग किया। विधायक ने कहा कि योग मनुष्य और प्रकृति के बीच अंतर संबंध स्थापित करने की कला सिखाता है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन समेत कई लोगों ने अपने घरों में ही रहकर योगाभ्यास किया। सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि योग स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है, इसीलिए सभी लोगों को प्रतिदिन योगा करना चाहिए। आज विश्व योग दिवस है, क्योंकि कोविड 19 का बड़ा खतरा है, इसलिए सामूहिकता में मैं इस बार योग दिवस पे कहीं पार्क में जाकर योगा नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं अपने घर में ही योगा कर रहा हूँ। आपसे भी उम्मीद है कि आप घर में योगा करेंगे, और योगा जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, आपको जरूर करना चाहिए। बिहार बाल भवन किलकारी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भागलपुर किलकारी प्रमंडल कार्यक्रम समन्वयक अभिलाषा कुमारी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सभी प्रशिक्षकों ने योगाभ्यास किया। इस दौरान सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी गीता कुमारी ने कहा कि योग करने से मानसिक शांति मिलती है और शरीर निरोग रहता है। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें 8 से 15 वर्ष तक के बच्चे हिस्सा ले सकेंगे। वहीं अभिलाषा कुमारी ने कहा कि सभी को योग करना चाहिए, साथ ही कोरोना महामारी को देखते हुए योगा का महत्व और बढ़ जाता है। मौके पर शिखा कुमारी, साहिल, मीनाक्षी, कुंदन समेत कई प्रशिक्षक, शिक्षक एवं कर्मी मौजूद थे। आज 21 जून है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आज हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं योग दिवस सेलिब्रेट करने के लिए, और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी योग हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक योग
योगदान देता है और हम सभी लोगों को योग प्रतिदिन करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रविवार को भागलपुर के आनंदराम ढंडनिया सरस्वती विद्या मंदिर में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विद्यालय के सभागार में प्राचार्य अनंत कुमार सिन्हा, उपप्राचार्य रविशंकर पांडे समेत स्कूल के तमाम शिक्षक एवं शिक्षिका ने योगाभ्यास किया। योगाचार्य संजीत कुमार पाठक एवं गोपाल के निर्देशन में अनुलोम विलोम, प्रहरी प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, वज्रासन समेत कई प्रकार का योगाभ्यास किया गया। योगाचार्य ने कहा कि सूर्य नमस्कार अपने आप में संपूर्ण योग है जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक है, जबकि प्रधानाचार्य अनंत कुमार सिन्हा ने कहा कि नियमित रूप से योग करने पर शरीर स्वस्थ रहता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अनंत कुमार सिन्हा ने बताया कि विद्यालय में बच्चों को योग की शिक्षा देकर योगाभ्यास कराया जाता है। इस मौके पर विद्यालय परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। साल 2020 का पहला और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण रविवार को लगा। रविवार को लगे इस सूर्य ग्रहण में चंद्रमा ने सूर्य को करीब 90% तक ढक लिया। इस दौरान अलग अलग राज्यों में सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा दिखाई दिया। वहीं भारत में देहरादून, सिरसा, टिहरी में लोगों को सूर्य ग्रहण का खूबसूरत नजारा आसानी से दिखा। भागलपुर में भी सूरज बादलों के पीछे से पूरा दिन ताक झांक करता रहा। 6 घंटे लंबे चलने वाले इस ग्रहण की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। कोसी नदी मदरौनी में 4 करोड़ की लागत से बन रही कटाव निरोधी कार्य का जायजा लेने जिलाधिकारी प्रणव कुमार शनिवार को नवगछिया पहुंचे, जहां नवगछिया एसडीओ मुकेश कुमार की मौजूदगी में डीएम ने कार्यपालक अभियंता अनिल कुमार से पिछले वर्ष मदरौनी में कराए गए कटाव निरोधी कार्य के साथ वर्तमान में चल रहे कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान रंगरा के 3 पंचायत को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए डीएम ने कार्यपालक अभियंता को तटबंध बनाने का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। डीएम ने इस्माइलपुर बिंद टोली के बीच पर संख्या 6 का निरीक्षण किया, जिसमें कार्यपालक अभियंता ने डीएम को बताया कि गंगा नदी इस पर संख्या 6 की दाई ओर से बहती थी और अब गंगा दूसरी ओर से बहने लगी है, जिसके कारण यहां कराया गया कार्य सफल नहीं हुआ। वहीं 84 धार की खुदाई करवाने, ब्रह्मत्तर बांध निर्माण, नदी की चौड़ाई के लिए मिट्टी कटाई एवं पुनर्वास से संबंधित कार्यों में तेजी कराने का निर्देश डीएम ने अधिकारियों को दिया। ये पूरे बांध का निरीक्षण किया गया और बाढ़ पूर्व तैयारी की समीक्षा की गई, जिसमें यदि स्थिति आती भी है फ्लड की तो उसके पहले हमारी क्या तैयारी है, जियो बैग उपलब्ध है कि नहीं, बालू उपलब्ध है कि नहीं, इसकी समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त कोसी नदी के जो विभिन्न कार्य कराए गए हैं कटाव निरोधक, उनका निरीक्षण किया गया और यदि बाढ़ आने की स्थिति उत्पन्न होती है और कुछ निरोधात्मक कार्य कराए जाने हैं तो उसकी तैयारी की भी समीक्षा की गई। हम लोग आश्वस्त हैं कि कहीं कोई कमी नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि भी कुछ लोगों को पानी के चलते दिक्कत होती है तो उन्हें कहाँ रखा जाएगा, कहाँ कुछ दिन के लिए कैंप बनाया जाएगा, उन सब चीज़ों पर समीक्षा की गई है और पूरी तरीके से व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे, डॉक्टर शशिकर एमडी, रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी एमआरआई स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सीटी स्कैन, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा। डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच। डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG। अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था।
लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। क्या आपको कान, नाक या गले में कोई समस्या है? जैसे कान बहना, सुनने में परेशानी, कान में दर्द, गले की खराश, गले में दर्द, थायराइड, नाक का मांस बढ़ना या एलर्जी इत्यादि है, तो समस्या के निदान हेतु आपके शहर में विश्व स्तरीय अस्पताल एडवांस ईएनटी हॉस्पिटल, जिसमें अति आधुनिक उपकरणों द्वारा उपचार डॉक्टर एच आई फारूक की देखरेख में किया जाता है। डिजिटल एक्सरे एवं कंप्लीट ऑडियोलॉजिकल प्रोफाइल की व्यवस्था, साउंड प्रूफ परिवेश में बेरा, ऑटो एकॉस्टिक इमिशन, टेम्पोनोमेट्री जांच की जाती है। और हाँ, एक दिन के बच्चे की भी सुनाई का आकलन किया जा सकता है। बिना तार वाली कान के अंदर लगने वाली सूक्ष्म देसी विदेशी सुनाई की मशीन भी उपलब्ध है। विदेशी मशीनों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर तथा पेशेंट के रहने के लिए एसी, नॉन एसी जनरल वार्ड उपलब्ध है। चंपा नाला पुल के निकट, चंपा नगर, भागलपुर। नमस्ते, केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ आपसे अपील करती है कि कोरोना वायरस से बचें। कोरोना वायरस से बचने के लिए बार बार हाथ धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें। खांसते या छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और वो यूज किया हुआ टिश्यू पेपर तुरंत ढक्कन डाल कचरे के डब्बे में फेंक दें। कहीं भी जाएं तो मास्क लगा के जाएं। किसी को खांसी, सर्दी या सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो उससे 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अपने गंदे हाथ आंख, नाक, मुंह में ना सटाएं। आपको ये छोटी छोटी सावधानी आपको बहुत काम आ सकती है। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर सनहौला थाना क्षेत्र के भुड़िया गांव स्थित आरएमएम स्मार्ट क्लासेस कोचिंग संचालक रंजन कुमार द्वारा करहरिया गांव के छात्र रंजीत कुमार की निर्ममता पूर्वक पिटाई करने का मामला सामने आया है। छात्र रंजीत कुमार 10वीं की कक्षा में पढ़ाई करता है, जिसे संस्थान के शिक्षक रंजन कुमार द्वारा बेरहमी से पिटा गया, जिसमें छात्र के सर पर गहरी चोट आई और सर फटने से छात्र लहूलुहान हो गया। साथ ही छात्र के पूरे शरीर पर जख्म के कई निशान हैं। एक और जहां शिक्षक ने कोरोना वायरस संक्रमण के बावजूद बिना अनुमति के कोचिंग संचालन शुरू किया, वहीं छात्र की बेरहमी से पिटाई कर बुरी तरह से फंस गया है। सरकार के निर्देश पर सभी स्कूल, कॉलेज एवं शिक्षण संस्थान को बंद रखा गया है, लेकिन चंद पैसे की लालच में आरएमएन क्लासेस को सरकारी आदेश का उल्लंघन कर खोल दिया गया, जिससे शिक्षक एवं बच्चों में कोरोना संक्रमण की संभावना बन गई है। मामले को लेकर कोचिंग के अन्य छात्रों ने भी घटना की पुष्टि की। इधर शिक्षक रंजन कुमार ने अभिभावकों की दबाव पर कोचिंग क्लास शुरू करने की बात कही है। सवाल जो दिया था ना क्वेश्चन में, वो गलत था। हम बोल रहे थे गलत था, वो बोल रहा था सही है, इसी वजह से वो मारने लगा हमको। किस चीज से मारा जो इतना आपका सर फूट गया? स्टिक से। स्टिक से ये फूटा है? नवगछिया रेलवे स्टेशन पर रविवार को विश्व योग दिवस को लेकर नवगछिया जीआरपी थाना अध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों एवं जवानों ने योगाभ्यास किया। इसके अलावा जीआरपी के जवानों ने योग को जीवन का अहम हिस्सा बताते हुए सभी लोगों को नियमित तौर पर योग करने के लिए जागरूक किया। वहीं विश्व योग दिवस के अवसर पर कहलगांव अनुमंडल के कई क्षेत्रों में योग दिवस मनाया गया। सोनोखर उच्च विद्यालय मैदान में योग शिक्षक जयप्रकाश महतो के नेतृत्व में युवाओं ने योगा किया। जयप्रकाश महतो ने कहा कि योग हमारे शरीर को निरोग बनाता है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, इसीलिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। इस मौके पर अनुज केसरी, प्रदीप शाह, नीतीश समेत कई लोग मौजूद थे। मानवाधिकार सुरक्षा एवं सतर्कता परिषद की ओर से भागलपुर हुसैनपुर कार्यालय में रविवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक में चीन द्वारा भारतीय जवानों पर घात लगाकर किए गए हमले एवं समझौते का उल्लंघन करने की घोर निंदा की गई और कुछ देर मौन रहकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान चीन द्वारा कायरतापूर्ण कार्य करने को लेकर चीन निर्मित उत्पादों का बहिष्कार करने एवं भारतीय उत्पादों को अपनाने की बात कही गई। इस मौके पर परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलीम सुगंध, जाफिर अख्तर, किशन कुमार, शबनम आरा समेत कई लोग मौजूद थे। मुख्य विषय था कि चाइना जिस तरह से कायरतापूर्ण हरकतों से हमारे जवानों को शहीद किया है,
उस शहीदों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा गया और एक प्रस्ताव लाया गया संस्था की ओर से, जिसमें इस घटना की घोर निंदा की गई। इस प्रस्ताव में लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पास किया और ये भी निर्णय लिया कि जहाँ तक संभव हो सके हम लोग चीनी प्रोडक्ट का बहिष्कार करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल नवगछिया इकाई की ओर से राजद कार्यकर्ताओं ने सीमा पर शहीद हुए भारतीय जवानों की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष अलख निरंजन पासवान के नेतृत्व में कैंडल जलाकर शहीद जवानों को नमन किया गया और शहीदों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। कैंडल मार्च विभिन्न मार्गों से होते हुए नवगछिया रेलवे स्टेशन चौक पहुंचा, जहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं राजद प्रदेश महासचिव डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु ने कहा कि चीन ने धोखे से भारतीय सैनिकों पर हमला कर हत्या की है, जिसे भारत के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मौके पर अशोक यादव, धर्मेंद्र यादव, प्रतिमा सिन्हा, प्रमोद चौबे समेत काफी संख्या में राजद के कार्यकर्ता मौजूद थे। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में लोगों ने किया योगाभ्यास, भागलपुर में भी दिखा उत्साह। आम लोगों को योग प्रशिक्षकों ने बताया व्यायाम का महत्व, कहा प्रतिदिन करें योगा, मानसिक तनाव से मिलेगा छुटकारा। देश भर में दिखा सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा, पूरी दुनिया में हो रही है इसकी चर्चा। नवगछिया में चल रहे कटाव निरोधी कार्य का डीएम ने किया निरीक्षण, जल्द कार्य पूरा कराने के दिए निर्देश। और कहलगांव में शिक्षक की पिटाई से घायल हुआ छात्र, कोरोना काल में सरकारी आदेश का उल्लंघन कर किया कोचिंग का संचालन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।